नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। और जिनको नहीं पता है, हर संडे प्राइवेट क्लास होती है, तो अगर आपको प्राइवेट क्लास के लिंक चाहिए तो सिंपली वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है। उसके बाद आप हर संडे हमें मैसेज करोगे स्क्रीनशॉट के साथ। अगर आप ये काम करते हो तो डेफिनेटली आपको जो हर संडे प्राइवेट क्लास होती है उसके लिंक्स मैं दे दिया करूँगा। को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ मैं इस स्टॉक के बारे में, इसका नाम है विजी फाइनेंस, VIJI। तो ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 2 रुपये का इस पर ट्रेड करा, लेकिन एक टाइम था ऑलमोस्ट 1 साल पहले ये स्टॉक का प्राइस 60-70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसी समय हमने वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दिया था कि स्टॉक अच्छा लगता है शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, एंड एग्जैक्टली स्टॉक ने वही करके दिखाया। ऑलमोस्ट 1 साल बाद धीरे धीरे करके स्टॉक ने अपना जो रिटर्न है वो शेयर होल्डर्स को कमा के दिया। अब आता है क्वेश्चन कि स्टॉक क्या इस प्राइस में क्या वी कैन इन्वेस्ट और नॉट, ये क्वेश्चन आप लोग पूछते हो। तो मेरा तो देखो यही रहता है आप लोगों को कि यार समझने का प्रयास करना, जब कोई चीज़ सस्ती होती है तब हम लोग वहाँ पर नहीं देखते उसको, हम वहाँ इन्वेस्ट नहीं करते, हमको उसमें लगता है कि यार ये तो घटिया स्टॉक है, ठीक है। जब वो बढ़ जाता है तो हम सोचते हैं अरे यार काश मैंने वहाँ इन्वेस्ट किया होता, क्या मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ इस प्राइस में, ऐसे क्वेश्चन मन में आते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको अपने आप से ये सिंपल से कुछ स्टेप फॉलो करने, मतलब प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। नंबर 1, पैटर्न प्राइस ध्यान में रखना है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो प्राइस अगर 2 रुपये ट्रेड कर रहा है, अगर उसने 6-7 रुपये 8 रुपये का हाई लगाया है और 50 पैसे का लो है, तब तो 2 रुपये 1.5 रुपये जस्टिफाई है कि आप स्टॉक को बाय कर लो। अगर 8 रुपये का 7 रुपये का हाई लगाया है, अगर 2 रुपये का ही उसने ऑल टाइम हाई लगाया, 2 रुपये में ही ट्रेड कर रहा है, तो मत बाय करना कभी भी, ठीक है। अगर जब वो गिरेगा तो दोबारा 1 रुपया आएगा तब बाय करना। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि 1 रुपये में आएगा तब बाय करना, इसको बोलते हैं प्रॉपर रिस्क को कम करना, ठीक है, प्रॉपर एंट्री। यहाँ पर अगर 1 में बाय करोगे तो आपका लॉस और चांसेस हाई है कि आपको पैसा बनेगा, 2 में बाय करोगे तो चांसेस भैया 50-50 है, ठीक है, और 50-50 छोड़ो 99% है कि वहां से कभी भी यूटर्न ले सकता है, पैसा बनने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपको स्टॉक मिलेगा नहीं। पहली बात तो अपर सर्किट में होगा, तो नीचे जब गिरेगा तब स्टॉक को बाय करना है, उससे पहले बिल्कुल भी बाय नहीं करना है स्टॉक को, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं इसी स्टॉक के बारे में, बीजी फाइनेंस 2 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और चार्ट आप देख सकते हो, ठीक है। स्टॉक बहुत टूट चुका था, मतलब 55 पैसे का शेयर था, ऑलमोस्ट 6 रुपये तक गया था और अभी देखो नीचे की तरफ आ चुका है। तो मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, जो मैंने बातें बोली उसको फॉलो करो। अब आपको एक छोटा सा पैटर्न और बता रहा हूँ, अगर इस वक्त यहाँ पर देख लो मंथली में यहाँ पर अगर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, अब ब्रेकआउट कब करेगा, ये जो रेड कैंडल बननी है इसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है। तो अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो 3.50 या 3.60 के ऊपर बाय करना है, उससे पहले बाय नहीं करना है। ये सिंपल सा पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो और सिंपल सा स्टॉप लॉस लगा सकते हो 2.70 रुपये के नीचे, 2.5 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और 3.50 के ऊपर ही स्टॉक को आपको बाय करना है, उससे पहले स्टॉक को आपको बाय नहीं करना है, ठीक है, समझ आ गया। 3.50 टूटेगा तभी बाय होगा, नहीं टूटेगा तो हम छोड़ देंगे, मैं नहीं बाय करेंगे, ठीक है भाई, समझ आ गया स्टॉक को आपको कब बाय करना है बीजी फाइनेंस को। बाकी थोड़ा बहुत फाइनेंशियल देख लेते हैं कि कुछ सुधार हुआ है या फिर कुछ चेंजेस हुए। तो बाकी प्रॉफिट आप लोग देखो, छोटा मोटा प्रॉफिट कंपनी दे रही है, ठीक है, छोटा मोटा प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी आप लोग देख सकते हैं, 52% के आसपास की हिस्सेदारी है, प्रमोटर्स काफ़ी अच्छी होल्डिंग हमें देखने को मिलती है, राइट। तो भाई ठीक है, जो था पहले वही हमें देखने को मिलता है, तो मैं यही बोलूंगा आप लोगों को, अगर आपके पास है तो होल्ड करो, जिनका जिनके पास नहीं है वो इस तरीके को फॉलो कर लेना, ठीक है। अच्छा खासा पैसा उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, 57% की देरी से उठाई गई है। तो समाप्त कर रहा हूँ वीडियो को, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।